नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ आंवला कैंडी। आंवला कैंडी बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। आंवला 500 ग्राम, चीनी 300 ग्राम, काला नमक 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, पिसी काली मिर्च आधा चम्मच, भुना जीरा आधा चम्मच, पिसी चीनी 2-3 चम्मच। सबसे पहले आंवले को 2-3 बार धो लेंगे। गैस जलाएंगे और हांडी में 2-3 गिलास पानी डालेंगे और ढक्कन लगाकर तेज आंच पर उबाल लेंगे। उबले हुए पानी में आंवले को डालेंगे और 7-8 मिनट तक ढक्कन लगाकर आंवले को उबाल लेंगे मुलायम होने तक। ढक्कन उतारेंगे और करछल में आंवला लेंगे और उंगलियों से दबाते हुए देखेंगे, पककर तैयार हो चुका है। गैस को बंद कर देंगे और भगोने पर छलनी रखकर आंवले को पानी से अलग कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। उबले हुए आंवले को बीजों से अलग कर लेंगे। हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें। आंवले में आधा चम्मच नमक और चीनी डालेंगे और ढक्कन लगाकर 3 दिन के लिए रख देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। कटोरे पर छलनी रखेंगे और चीनी के घोल से आंवले को अलग कर लेंगे। छलनी से प्लेट में आंवले को निकालेंगे और फैलाएंगे। स्वाद अनुसार काला नमक, भुना जीरा, काली मिर्च डालकर मिलाएंगे और 2-3 दिन के लिए धूप में सुखाएंगे। छलनी में पिसी हुई चीनी लेंगे और सूखे हुए आंवले पर बुरक देंगे और मिलाएंगे। आंवला कैंडी बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको बनाकर हवा बंद डब्बे में भरकर रख सकते हैं और जब आपका मन चाहे तब आप इसका सेवन कर सकते हैं। आंवले के घोल को फेंकेंगे नहीं। इससे हम शरबत बना सकते हैं या आप इधर बर्फी भी बना सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।